हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर व्लॉग। तो आज मैं बना रही हूँ उबले हुए अंडे का कीमा। बहुत ही लाजवाब बनता है गाइस। तो बिना देरी करते हुए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो मैंने गैस ऑन कर लिया है, इसमें चढ़ा दिए कढ़ाई। कढ़ाई में थोड़ा हल्का पानी था तो उसको जलने का मौका देते हैं। चार अंडे साइड में आपको उबाल के रख लेने हैं। मैंने तो चार के बनाए, आपको जितने अंडे की बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। सो मैंने ऐड किया है इसमें 3 चम्मच तेल। तेल इट्स डिपेंड कि आप कितना तेल कम और ज़्यादा खाते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके गाइस, तो अब ये रही इंग्रेडिएंट, जिसमें 4 कांदे हैं, टमाटर 4, मैंने 5 टमाटर लिए हैं, 7-8 मिर्ची है, 1/2 लेमन और लहसुन। तेल गरम हो चुका है, अब हम ऐड कर देंगे इसमें लहसुन का तड़का दे दिया है। आपके पास लहसुन का पेस्ट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमने चॉप किए थे कांदे वो उसमें ऐड कर देने हैं और अच्छे से इसको तल लेना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, जैसे कि अभी ये ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो। टोमेटो मैंने काट के डाले हैं। अगर आपको पेस्ट बना के इसका डालना है तो आप वो भी कर सकते हैं, प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं, बट हम प्रेफर कर रहे हैं काट के डालना। तो हम ऐसे ही खाते हैं तो मैंने टमाटर काट के डाले हैं। ओके गाइस, अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आपको 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालना है। अब मेन इंग्रेडिएंट्स होता है कोई भी रेसिपी का नमक। नमक के बिना तो फिर सब्जी पूरी ख़राब हो जाती है, तो नमक ऐड करना बिल्कुल ना भूले। और नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें कि आपको कितना चटक और कम खाना है। तो नमक ऐड करते ही साथ एक बेनिफिट ये होगा कि जो हमारे टमाटर रहेंगे वो जल्दी जल्दी गलेंगे, इस नमक डालने से ऐसा होता है। ठीक है, अब ये टमाटर हमारे फास्ट फास्ट गलने लगेंगे जब तक अच्छे से चटनी भुन नहीं जाती, जब तक हमको इसको अच्छे से तलना है। ठीक है, अब मैं ऐड करूंगी इसमें रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। ओके, इससे क्या होगा, इसमें तीखापन तो नहीं होगा गाइस, बट कलर इन्हेंस होगा। और ऊपर से मैं डालूंगी हरी मिर्ची। हरी मिर्ची मैं पहले नहीं डाली हूँ, बिकॉज टमाटर के साथ और मिक्स करते हो तो और तीखा होता है, इसलिए थोड़ा बाद में डाला है, क्योंकि बच्चे होते हैं और ज़्यादा तीखा हो जाता है तो फिर वो खा नहीं पाते, इसलिए मैंने लास्ट में इसको डाला है। तो थोड़ा ही मिर्ची उतरेगा उसमें। अब 4 अंडे जो उबाले थे इसको अच्छे से बारीक बारीक इसमें काट लेने हैं। कई लोग इसको ग्रेड करके डालते हैं, जैसे हम गाजर के हलवे के लिए हम ग्रेड करते हैं वैसा, बट मैं उसको काट के ही डालूंगी, बिकॉज अंडे ऑलरेडी सॉफ्ट होते हैं उबलने के बाद ही, तो हम इसको चम्मच की मदद से भी अच्छे से कीमा बना सकते हैं तलते तलते, और उससे फ्लेवर भी आ जाएगा अच्छा खासा और अच्छा अंडा कीमा भी बन के रेडी हो जाएगा। जैसे हम मैं देखो कट 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 करके बना रही हूँ, वैसे आप कर सकते हो और बहुत ही जल्दी हो जाता है। बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट से बनने वाली। और इसमें आपको 1/2 लेमन का रस ऐड कर देना है, जो इन्ग्रीडियंट्स में दिखाए थे मैंने। इससे क्या होगा, थोड़ा खट्टा फ्लेवर भी आएगा और मस्त मज़ा आ जाएगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें चाट मसाला। चाट मसाला मैं एवरेस्ट का यूज़ कर रही हूँ और मेरा ख़त्म हो चुका था गाइस। आपके पास होगा तो थोड़ा और डाल देना इसमें। सो हमारी चटनी अंडा कीमा बिल्कुल रेडी है और कोथमीर से हम गार्निश कर देंगे। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।